उत्तराखंड में फैल रहे संक्रमित रोगों को देखते हुए संक्रमित रोगों की रोकथाम के लिए लालकुआ नगर पंचायत सभागार में बैठक आयोजित की गई, जहां डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जेई सहित वेक्टर बॉर्न संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया और आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए संक्रमित रोगों के प्रकोप को रोके जाने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इसके साथ ही मालिन बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाते हुए संक्रमित रोगों के लक्षणों के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करने की रणनीति तय की गई है। इस दौरान ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने रोस्टर के अनुसार डेंगू मलेरिया सहित कई संक्रमित रोगों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही उन्होंने तेज बुखार, गर्दन की दर्द शिकायत पर लापरवाही न करते हुए नज़दीकी चिकित्सकों का परामर्श लिए जाने का सुझाव दिया। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें भी हमारी जो ट्रेनिंग है, भाषाएं हैं, इन उद्देश्य सिर्फ हमें रोकथाम करना है, बचाव। कई विभागों के हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी लोग यहाँ आए हुए हैं। हरीश पांडे जी जो मेन यहाँ मोटा आलू के डॉक्टर साहब हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, जो प्रभारी है, उनके नेतृत्व में जल संस्थान से लेकर कई विभाग यहाँ आए हुए थे और मलेरिया और डेंगू बुखार को रोकने के लिए डॉक्टरों द्वारा, डॉक्टर कृष्णा जी, लव हैं, लव पांडे जी, सब लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बात बताई कि वास्तव में इतनी सब जागरूकता जनता में किया जाए तो आज एक अंतर विभागीय एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सदस्य अधिकारी और माननीय अध्यक्ष महोदय और हमारे वार्ड मेंबर्स तथा जल संस्थान तथा अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और हमारे द्वारा ये बताया गया है कि कैसे डेंगू के सीज़न में हम इसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए क्या क्या कदम, प्रभावी कदम हमारे द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उठाए जा रहे हैं।